आज का टॉपिक है हमारे टूडेज टॉपिक क्या है सर, कि व्हाट इज अप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज चार्ज। ये प्रॉफिट एंड मतलब पार्टनरशिप में यूज होता है, पार्टनरशिप में इसे यूज करते हैं। होता क्या सर, अप्रोप्रिएशन होता क्या है, चार्ज होता क्या सर? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समटाइम्स ये मार्क्स लगा लो तुम, 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाता है सीबीएसई एग्जाम में, 6 to 8 मार्क्स। अच्छा भी है टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है, और इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज चार्ज। नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि अप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है। जो चीज हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करे वो चार्ज है, जो चीज हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करे वो चार्ज है। प्रॉफिट्स का रिड्यूस होना हमारा चार्ज कहलाता है, और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना उसे हम अप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब मेरे को एक चीज बता सकते हो कि प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते होते हैं वो ओनर्स को करे जाते होते हैं। अब यहां पे ओनर्स कौन है? ओनर्स है हमारे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को जो चीज दी जाए उसे हम अप्रोप्रिएशन कहते हैं। पर यहां पे एक चीज और, अब मैं इस चीज को कॉन्ट्राडिक्टरी मना करता हूं कि पार्टनर को कुछ चीजें दी जाती हैं फिर भी वो अप्रोप्रिएशन नहीं है। उसका फर्स्ट केस है रेंट पेड टू पार्टनर, बाकी इसमें डिस्कस करते हैं डिटेल में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो वो है कि एक तो रेंट, एक रेंट के अलावा और क्या असर हो सकता है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन जो तुम पढ़ रहे हो 6% पर एनम, ये सर ये भी पार्टनर्स को दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ये भी हमारा चार्ज है। सर चार्ज होता क्या है? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि प्रॉफिट्स को जो चीज रिड्यूस करे वो चार्ज है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अप्रोप्रिएशन है अमंग द ओनर्स एंड पार्टनर्स। और इलाबोरेट करते हैं थोड़ा ताकि तुम्हें क्लियर रहे। प्लस वन में पढ़े हो तुम लोग, प्लस वन करके प्लस टू में आए हो, ठीक है? तो प्लस टू का इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, प्लस वन में पढ़े हो, प्लस टू के इंट्रोडक्शन चैप्टर में तुम एंटर कर चुके हो, ठीक है? इंट्रोडक्शन चैप्टर में पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप में अब प्लस वन से थोड़ा डील करें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा कि एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जहां से हम जीपी से स्टार्ट करते थे और कहां पे आके खत्म करते थे एनपीपी। यहां पे बहुत कुछ डालते थे, सैलरी, सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है जी, सैलरी टू एम्प्लॉय, और भी बहुत कुछ डालते थे। क्या डालते थे सर? ये सोल ट्रेड के बता रहा हूं मैं, सोल ट्रेड के, नॉट अ पार्टनरशिप, सोल ट्रेड। दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑफ अ सोल ट्रेड। ए सैलरीज टू एम्प्लॉयज दिया, मैनेजर कमीशन दिया सर, डेप्रिसिएशन हो गया सर, रेंट हो गया, ये सारे चार्ज हैं। देखो जीपी को ये रिड्यूस कर रहे हैं और एनपी तक लेके आ रहे हैं, जीपी से एनपी तक पहुंचने के लिए जो भी हम आइटम्स ये डालते हैं ये सारी चार्ज होती है। क्या होती है? चार्ज, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो चार्ज हमारे, चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। चार्ज किसकी आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, ठीक है। और अप्रोप्रिएशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की आइटम है। अप्रोप्रिएशन गिनती के ही होते हैं जिनको तुम काउंट कर सकते हो, वो बताते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अभी कि अप्रोप्रिएशन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से अप्रोप्रिएशन होते हैं। तो अभी मैं कुछ बातें कर रहा हूं, पार्टनर को क्या क्या देते हैं हम इस चैप्टर में उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है, सैलरी टू पार्टनर। सर पार्टनर को कमीशन दिया जा सकता है, कमीशन टू पार्टनर। दूसरा सर क्या हो सकता है? सर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया सर, और क्या दिया जाता है पार्टनर को? रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर। सर तीसरा हमारा क्या आता है?
रेंट के साथ एक और चीज बताई थी, कौन सी चार्ज बताई थी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब हमारी लैंग्वेज में कहें ना, कहता जो पार्टनर को दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन है, बट ये दो चीजों को छोड़ दिए, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, देखो जितनी भी बातें मैंने कही यहां पे, उसमें टू पार्टनर टू पार्टनर टू पार्टनर, ये प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इंपॉर्टेंट चीज, फर्म में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। चार्जेस लॉस के केस में भी दिए जाते हैं, चार्जेस प्रॉफिट के केस में भी दिए जाते हैं, बट एप्रोप्रिएशंस ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ही दिए जाते हैं। सर प्रॉफिट होगा तभी मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये देखो, मैंने प्रॉफिट को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टनर को सैलरी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, कमीशन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो प्रॉफिट्स तभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अगर प्रॉफिट्स होंगे। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आज लेक्चर में बोला था तुम्हें कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यही बोला था ना, अमंग द ओनर्स। और सर डिस्ट्रीब्यूशन तभी कर पाऊंगा ना अगर प्रॉफिट होगा, अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, इज इट पॉसिबल कि मैं ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं? इट मींस ये तीन चीजें एप्रोप्रिएशन है, एंड एप्रोप्रिएशन तभी दे पाऊंगा अगर मेरे पास प्रॉफिट्स हैं। अगर मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है तो ये एप्रोप्रिएशंस भी नहीं जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज कहता इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर इज अ चार्ज, एंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ चार्ज, इसकी बात करते हैं। सर ये भी तो पार्टनर को जाती है, तो फिर व्हाई दीज टू आर कंसीडर्ड एज अ चार्ज? ये एप्रोप्रिएशन है सर, ये चार्ज है, क्यों सर, व्हाई दीज टू? अब मेरे को एक बात बताओ, फर्म में एक ए है एक बी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, फर्म में एक ए पर्सन है एक बी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दी, बी ने यूज करने के लिए नहीं दी, तो बी उसके ए उसके अगेंस्ट क्या मांग रहा है? रेंट मांग रहा है। तो सर रेंट उसकी एक इनकम है जो उसे मिलेगी मिलेगी, फर्म की इनकम है, वो इंडिविजुअल इनकम है उसकी, वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब ए ने लोन दे दिया, बी ने लोन नहीं दिया, बी ने भी कैपिटल लगाई होगी, ए ने भी कैपिटल लगाई होगी, दोनों ने कैपिटल तो लगाई है, पैसा तो दोनों ने लगाया, बिजनेस तो दोनों ने स्टार्ट करा, बट ए ने एक एडिशनल पैसा दिया हुआ, क्या दिया हुआ? लोन। तो वो लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट मांगेगा, जैसे बैंक लोन है। मेरे को एक बात बताओ, बैंक से तुम लोग लोन लेते हो, लिया, तुम्हारी बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, और बैंक वालों को शाम को जाके कह दो सर हमें यानी आज कुछ नहीं कमाया, हम ब्याज नहीं देंगे, क्या बैंक क्या बोलेगा? बेटा कोई बात नहीं, हमारे तो आपसे बहुत ज्यादा ले आ जाए, आप छोड़ दो, हम कुछ नहीं लेंगे। इज इट सो? सर प्रॉफिट हो ना हो, बैंक को लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता ही पड़ता है, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। वैसे यहां पे है कि पार्टनर ने लोन जो दिया हुआ है वो अपनी कैपिटल से ज्यादा, कैपिटल तो दी हुई है, कैपिटल तो सभी ने लगाई हुई है, बट पार्टनर ने क्या दिया हुआ है? कहता पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तो वो लोन चार्ज मान के, तो लोन एक क्या, लोन का इंटरेस्ट है जो चार्ज मान के चलते, इसलिए वो पे करना जरूरी है, वेदर तुम्हारा प्रॉफिट हो वेदर तुम्हारा लॉस हो। इसलिए ये चीज याद रखनी जरूरी है कि दो चीजें तुम्हारी पार्टनर को दी जाती हैं, वो चार्ज है, बाकी जो बचती हैं वो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। यहां तक कोई डाउट है? तो इसीलिए हम अब एक और वे से बात करें, तो कहता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो सर खत्म कहां पे हो जाता है? जीपी से शुरू होता है, एनपी पे खत्म हो जाता है। इट मीन इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर उसका क्या करेंगे? सर वो एनपी से स्टार्ट होगा और इस एनपी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सेपरेट हेड्स। क्लियर है जी? अब मैं तुमसे पूछूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच, जिसमें क्या करते हैं, इन विच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन टू द पार्टनर्स। अब सर आता क्या है एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्जेस के बारे में पता चला? चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस के बारे में पता चला? चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस सर प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। इन शॉर्ट फॉर्म हम अगर हम चाहे तो ये कह सकते हैं, चार्जेस आर इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट शुड पेड इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, और एप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, बोर्ड विजिबल है ना? यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा, बाय नेट प्रॉफिट। मैं जो आइटम्स लिख रहा हूं इससे ज्यादा आइटम्स नहीं आती, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दो पार्टनर है बेटा, तो दो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट, उनका टोटल तीन है तो तीन को दिया जाएगा, टू सैलरी टू ए। हो सकता है सैलरी सिर्फ मैं एक पार्टनर को दूं, टू कमीशन टू बी। हो सकता है कमीशन सिर्फ मैं बी को दे रहा हूं, टू जनरल रिजर्व। और जब हमने फर्स्ट लेक्चर लगाया था हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे लिया जाता है पार्टनर से, तो ये फर्म की इनकम होगी। और कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये बेसिक चीजें आती हैं इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है, पार्टनर्स को दिया जाता है। सैलरी किसको दी, पार्टनर को दी। कमीशन किसको दिया, पार्टनर को दिया। सर जनरल रिजर्व किसको दिया, जनरल रिजर्व किसी को नहीं दिया। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड, हमने साइड पे निकाला ताकि कल को हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकवर कर सके। और अगर कल को फ्यूचर में लॉसेस नहीं होते, अगर कल को हमारे फ्यूचर में लॉसेस नहीं होते, तो ये जनरल रिजर्व किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओनर्स के बीच में। ओनर कौन है यहां पे, ओनर कौन है यहां पे, पार्टनर। सर ऑब्वियस है ना, अगर कल को जनरल रिजर्व नहीं यूज होता, कोई लॉस नहीं होता फर्म को, तुम्हारे स्कूल को इस साल लॉस नहीं होता, तो क्या करते वो जो पार्ट्स निकाले होते हैं, लॉस निकाले होते हैं, वो टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द पार्टनर्स के लिए यूज करते हैं। यहां पे हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो ये जनरल रिजर्व पे ओनर्स का अधिकार है, तो ओनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर कल को होता है तो बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट, मतलब ये दो चीजें मैंने प्लस करी, इसमें से तीन चार चीजें माइनस करी, तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये प्रॉफिट्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा, इक्वल रेशियो में, तो ये मैं प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यहां तक कोई डाउट है कि हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड, इसको और इलैबोरेट करना बेटा, यहां तक डाउट तो नहीं है कोई। ठीक है जी, आंसर करो। आई एम ऑडिबल, और लीव मत करना लास्ट तक, फिर मैंने वो स्क्रीनशॉट लेने अटेंडेंस के, अभी लिए नहीं। तो सर बाकी सब कुछ, सर पार्टनर को सैलरी चार्ज कैसे मान लोगे, अगर मैं पार्टनर हूं मैं काम करता हूं, तुम भी पार्टनर हो तुम भी काम करते हो, तो पार्टनर की सैलरी कभी भी चार्ज नहीं हो पाएगी। पार्टनर की सैलरी कैसे चार्ज हो जाएगी, तुम भी पार्टनर हो मैं भी पार्टनर हूं, काम तो दोनों कर रहे ना। हाँ जी सर, वो एडिशनल एडिशनल चीज के लिए सैलरी नहीं होती ना, सैलरी इसलिए जब तक, हाँ अगर कल को क्वेश्चन कह देता है कि यार ए एक्टिव पार्टनर है बी एक्टिव पार्टनर नहीं है, और ए एक्टिव पार्टनर होने के कारण जो सैलरी है उसे चार्ज मानेगा, तो सर क्वेश्चन कहेगा, डीड कहेगी कि सैलरी चार्ज है तो चार्ज है, नहीं तो नहीं चार्ज। अब डीड के अकॉर्डिंग देखो, डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा, तो वो चार्ज हो गया ना सर,
कुछ भी हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लोन सॉरी 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 इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम दिया जाएगा। सर कुछ भी कर लो वो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है तब भी इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे, इसलिए उसे चार्ज मानना ना। और रेंट होता ही चार्ज है, सैलरी क्यों नहीं चार्ज? अगर कल को प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी के बारे में क्या बोला डीड में? कहा था नहीं देंगे सर, रेमुनरेशन पड़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर जीरो निल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निल, कमीशन टू पार्टनर निल। वो जो कल टेबल पढ़ाया था उसका समझ आया बात? ठीक है जी। तो अब एप्रोप्रिएशन में सबसे जरूरी चीज है यहां पे जो नेट प्रॉफिट उठाते हैं सर, वो कौन सा नेट प्रॉफिट उठाए? 50% क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बच्चे अगर ये नेट प्रॉफिट उठा ले, और 50% स्टूडेंट हैं जो यही गलती करेंगे सर नेट प्रॉफिट ही नहीं उठा पाएगा। अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट गलत तो नीचे के आइटम्स में इसको क्या करेंगे सर? ये भी आंसर गलत, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। सबसे जरूरी चीज होता है नेट प्रॉफिट उठाना, और नेट प्रॉफिट तुम उठाते नहीं हो सही, और नेट प्रॉफिट सही उठा लिया जिसने, उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद तो उसने बोला होगा कैपिटल का ब्याज इतना, ड्रॉइंग्स का ब्याज इतना, उसके बाद बोलेगा सर सैलरी इतने की, सर कमीशन इतने का, सर वो तो इजीली डल जाएंगी, वो तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्लास का बच्चा भी डाल देगा। बोलेगा सैलरी बी को देनी है 5,000, बी आया बी को सैलरी देनी है 5,000, कहता कमीशन देना 4,000, सर सी को कमीशन देना 4,000, सर वो तो सारे डाल देंगे। बात तो ये थी ना सर, ये नेट प्रॉफिट कौन सा उठाना है सर? क्वेश्चन में सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि नेट प्रॉफिट कौन सा उठाना है। अब बात करते हैं सर इसके बारे में डिटेल में कि नेट प्रॉफिट उठाना कौन सा है, मेरी एप्रोप्रिएशन बना पाओगे? तो ये कहता है कि नेट प्रॉफिट, सुनना ध्यान से, बिफोर एप्रोप्रिएशन, चलो पहले हम आफ्टर का वर्ड लिखते हैं, आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए ये जो नेट प्रॉफिट उठाना। सर मीनिंग क्या हुआ सर? चार्ज कहां की आइटम थी, कहां की आइटम थी? बिल्कुल सर तुम तो सीख रहे हो। एप्रोप्रिएशन कहां की आइटम है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तुम तो अच्छे बच्चे हो। तो सर अब इस बात को समझो ध्यान से, ये चार्ज ये एप्रोप्रिएशन, और मैंने बोला आफ्टर चार्ज मतलब जो प्रॉफिट है, क्योंकि ये मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट है सारे चार्जेस के बाद, मतलब अगर कोई चार्ज माइनस करना रह गया तो यहां पे माइनस कर दो। इज इट क्लियर? और मैं एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो मैंने बोला अगर कोई एप्रोप्रिएशन पहले ही दे दी, जैसे कि सपोज करो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? ये एप्रोप्रिएशन है बच्चों ने बोला, ठीक है तुम लोगों ने बोला ये एप्रोप्रिएशन है, और मैंने बोल दिया इस प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करा हुआ है। सर गलत है ना सर, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे दिखाना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे दिखाना है। तो सर ये पहले ही माइनस किया होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बेटा इसको प्लस करूंगा, इसमें प्लस करूंगा। क्यों प्लस करूंगा? मैं बोलूंगा इसको तो अभी दिखाना है सर, इसको तो अकाउंट में शो करना है, ये पहले ही माइनस कर रखा है, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस कर रखा है, तो इसको दोबारा क्या कर दूंगा? प्लस। दूसरी लैंग्वेज, सर इसका कुछ भी नहीं करा हुआ इसमें, तो सर मैं भी कुछ नहीं करूंगा सर, क्योंकि मुझे चाहिए ही क्या था? लैंग्वेज को सुनो, मुझे एप्रोप्रिएशन के पहले का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कोई भी एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, आफ्टर का मीनिंग उठा लेते हैं माइनस, बिफोर का मीनिंग उठा लेते हैं प्लस कर दो। सर ये जिसने ये उठाया ना वो गलत करेगा काम। सर आफ्टर मीन्स नॉट अ माइनस, आफ्टर मीन्स ट्रीटमेंट कर दो, बिफोर मीन्स ट्रीटमेंट नहीं करना, और अगर करा हुआ है तो उसे रिवर्स कर दो। लैंग्वेज को सुनना, फिर थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूं, और ध्यान से सुनना फिर ही समझ आएगा।
देखो अब मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, मैंने बोला नेट प्रॉफिट 10,000 है, ठीक है, अब सुनना, मैंने बोला वेट 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 तो मैंने बोला नेट प्रॉफिट 10,000 है, कितना प्रॉफिट है मेरे पास 10,000, कुछ नहीं लिखा ये बिफोर है, ये अप्रोप्रिएशन से पहले है, आफ्टर द चार्ज है, बिफोर द चार्ज है, आफ्टर द अप्रोप्रिएशन है, कुछ नहीं लिखा। तुम क्वेश्चन को स्टार्ट करो, बाय नेट प्रॉफिट लिखो 10,000 और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस होंगी हम कर लेंगे। क्लियर सर? दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, कहता है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, ठीक है जी, ये नेट प्रॉफिट कहता 10,000 है, कितना है 10,000, कहता अभी तक स्टिल स्टिल हमने मैनेजर कमीशन नहीं दिया 1,000 का, तो मैनेजर कमीशन इज जस्ट चार्ज और अप्रोप्रिएशन, मैनेजर कमीशन इज योर चार्ज और अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन कौन करता मैनेजर कमीशन अप्रोप्रिएशन है सर, चार्ज है, पार्टनर्स को देने वाली चीज अप्रोप्रिएशन है, इज इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इज इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं ना सर, मैनेजर को कमीशन देना है, इट इज ए चार्ज, कमीशन टू पार्टनर इज इट चार्ज, बिल्कुल सर दिस इज चार्ज, कमीशन टू पार्टनर, हाँ बोलो, किसने बोला प्रॉफिट पे ऊपर हो तो, मैंने बोला 10,000 देना है, मैनेजर कमीशन बेटा चार्ज होता है, पार्टनर मैनेजर इज योर ओनर ऑफ अ बिजनेस, मैनेजर तुम्हारा ओनर होता है बिजनेस का, यस सर के नो सर, मैनेजर तुम्हारा ओनर होता तो फिर ओनर नहीं है, तो फिर सर इसका कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कैसे आ जाएगा बेटा, मैंने शुरू शुरू में समझाया, एट द स्टार्टिंग में समझाया कि पार्टनर्स को जो चीज दी जाती है वो अप्रोप्रिएशन है, दोबारा पार्टनर पहले अकाउंट बनाते हैं, मेरे को बताओ इसके अलावा पार्टनर के अलावा क्या है इसमें, फिर कल को तो तुम बोलोगे कमीशन टू मैनेजर सैलरी टू एम्प्लॉय भी फिर हम चार्ज वो अप्रोप्रिएशन लेके चलेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, हाँ एम्प्लॉय है, तो अगर मैं यहां पे मैंने बोला था सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे दिया जाता है टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर, सर मेरी बात सुनो, पार्टनर 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 जनरल जरा सर, पार्टनर्स क्या होते हैं, तो सर मैंने बोला अप्रोप्रिएशन में सिर्फ ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैनेजर कैसे आ जाएगा यार इसमें, और तुम प्लस वन पढ़ के आए हो, प्लस वन में मैनेजर कमीशन होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा के नहीं आते थे तुम लोग, तो फिर मैनेजर कमीशन चार्ज है, अब सुनना नेट प्रॉफिट है जो वो 10,000, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट तुम्हारा 10,000 है, वो कहता है मैनेजर कमीशन स्टिल अभी पेएबल है, पेंडिंग है, स्टिल पेएबल नहीं है, स्टिल अभी हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है, अब बताओ मेरे को मैंने कौन सा प्रॉफिट बोला था यहां पे उठाने के लिए, मैंने बोला था नेट प्रॉफिट कौन सा उठाना है, आफ्टर और बिफोर, ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज उठाओ, यहां पे प्रॉफिट दी हुआ बिफोर चार्ज, ये चार्ज है ना, ये बिफोर चार्ज है, क्या करूंगा सर यहां पे 10,000 उठाऊंगा, उसमें से 1,000 माइनस करूंगा, कितना उठा लूंगा 9,000, क्लियर है जी, क्लियर है बेटा, अब ऐसी अब एक और इसको थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, कहता ठीक है जी नेट प्रॉफिट 10,000 है, बिफोर मैनेजर कमीशन है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन आफ्टर सैलरी टू ए,
एक पार्टनर है 500। अब सुनो सर, कौन सा प्रॉफिट उठाना था यहां पे? आफ्टर चार्ज, बिफोर, सुनो ये मैनेजर कमीशन बिफोर चार्ज है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। सही है, तो उल्टा होगा काम। सर एप्रोप्रिएशन बिफोर चाहिए, चार्ज आफ्टर चाहिए, तो क्या करूंगा सर? 10,000 उठाऊंगा, 1,000 माइनस करूंगा, 500 प्लस करूंगा, टोटल कितना आएगा? 9,500। क्लियर है जी? अब बिफोर और आफ्टर को प्लस माइनस में कंसीडर मत करना, बिफोर और आफ्टर में कंसीडर करो कि उसका ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं होगा। ये कहता है चार्जेस का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, तो हमने नहीं करा हुआ था, अब कर दिया। आफ्टर मींस ट्रीटमेंट कर दिया, वो कहता नहीं करना चाहिए था, हमने रिवर्स ला के प्लस कर दिया। क्लियर है जी? इज इट क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही था।